तो 2021 में मैंने इतना पैसा YouTube से कमा लिया कि मैं ऐसे 3 iPhone 13 Pro हर महीने ले सकता हूँ, अफोर्ड कर सकता हूँ। कैसे, कितना कमाया है और कैसे कमाया है, कैसे तो नहीं, कैसे तो कभी, और कितना कमाया एग्जैक्टली, सारे इन्फो, सारे ग्राफ, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बढ़ते हैं आगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ऐसी चीजें शेयर करने वाला हूँ कि मैंने कहाँ से कितना पैसा कमाया, कब कमाया और मेरी हर महीने की, पूरे साल की, हर दिन की टोटल कितनी कमाई है। लेकिन इसके पीछे भी एक स्टोरी है, मतलब मैं जीरो से उठाऊं, जैसे अभी कई लोग होंगे जो जीरो पर होंगे, जो 10 पर पहुंचना चाहते होंगे, उससे फिर ऊपर 100 पे पहुंचना चाहते होंगे, तो मैंने भी जीरो से स्टार्टिंग करी है। अगर मैं आपको 2 साल पहले की स्टोरी अपनी छोटी सी बताऊं, तो 2 साल पहले मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा था, सिंपल सा। उसके बाद मैं जॉब लेने के लिए गया था, हर एक एवरेज पर्सन की तरह जो कुछ पढ़ाई करके जॉब के लिए जाते हैं, और 2-3 इंटरव्यू दिए जहां से ज्यादातर इंटरव्यू में बात नहीं बनी थी। फिर उसके बाद 1-2 इंटरव्यू में बात भी बनी, जिसमें से सिर्फ मुझे 15-20K तक का ऑफर आया था। बट फिर उससे कुछ होने वाला नहीं था, ये मुझे भी पता था खुद से। मुझे ये था कि कुछ बड़ा करना है, और वो बड़ा 15-20 हज़ार में नहीं हो सकता था। उसके बाद मैं वापस अपना घर आ गया और मैंने YouTube स्टार्ट किया फाइनली। सिंपल सा नॉर्मल सा कैमरा लिया, कैनन 200D, और माइक वाइक लिया, बोया वीवो M1, फोन था, सब चीजें थी एडिटिंग के लिए, सब कुछ करके ये YouTube चैनल स्टार्ट किया। और अब ये YouTube चैनल कहां पर खड़ा है ये मुझे भी पता है, और जितने लोग पहले से जुड़े हैं इस चैनल के साथ उनको भी पता है। और वहीं आज हम जानते हैं इस YouTube चैनल ने 2021 में कैसा किया है और क्या किया है जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मेरे 2020 के एनालिटिक्स, मतलब जहां से मैंने चैनल की शुरुआत करी। मैंने जनवरी कौन सी डेट, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, मैंने चैनल से स्टार्ट किया था, पहली वीडियो डाली थी वहां से स्टार्टिंग करी थी 2021 में जनवरी। अब वहां से देख लेते हैं हम। सबसे पहले ये मेरा चैनल था, नॉर्मल व्यूज आते थे, 10 मिलियन टोटल व्यूज मेरे 2020 में आए। हम 2020 में ज्यादा बातें नहीं करेंगे, 2021 पर ही रखेंगे। स्पॉन्सरशिप से लेके एफिलिएट मार्केटिंग से लेके YouTube का पैसा सारा मैं आपको 2021 का बताऊंगा, लेकिन सिर्फ 2020 में थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। 10.5 मिलियन व्यूज, वॉच टाइम की बात करें 5 लाख आवर्स का वॉच टाइम, मतलब YouTube मोनेटाइजेशन मेरा इसी साल कंप्लीट हुआ था मई में जाके। जनवरी में चैनल स्टार्ट किया था, मई में मेरा मोनेटाइजेशन कंप्लीट हो चुका था। और सब्सक्राइबर्स की अगर हम बात करें, 1,68,000 सब्सक्राइबर्स, 69,000 सब्सक्राइबर्स मैंने 2020 में कंप्लीट कर चुके थे, मतलब आ चुके थे। और रेवेन्यू की बात करें $8,896, ठीक है। अब जरा हम डॉलर्स में, काफी सारे लोगों को नहीं समझ में आएगा तो मैं सेटिंग्स में कर लेता हूँ, सबसे बेस्ट अपना इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर लेता हूँ, INR में, इंडियन रुपीज सेव। तो टोटल मैंने 2020 में कमाया, मई में मेरे चैनल मोनेटाइज हुआ, 6,59,000 सब्सक्राइबर्स मैंने दिसंबर तक कमा चुके थे इस यूट्यूब चैनल, मतलब 6.5 लाख रुपए मैंने कुछ जितने भी महीने हो रहे उतने महीनों में कमा लिए थे 2020 में। इसके अलावा मैंने स्पॉन्सरशिप से भी कमाया था 2020 में, और एफिलिएट मार्केटिंग से भी कमाया था, उसकी बात हम नहीं करेंगे वैसे, हम करेंगे 2021 की बात। अब जाके अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, 2021 में मैंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, तो बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट किया। साल एंड होने वाला है इसलिए मैं सोचा ये वीडियो बनाना जरूरी है। व्यूज की बात करें, 20.7 मिलियन व्यूज मैंने जनरेट करें टोटल, ठीक है। स्टार्टिंग में चैनल का क्या था, स्टार्टिंग में चैनल ने अच्छा ठीक ठाक परफॉर्म किया, उसके बाद थोड़ा सा डाउन गया। मार्च के टाइम पे मैंने वीडियोस कम अपलोड करने स्टार्ट कर दिए, उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर गया, ठीक है। इस टाइम पे जून के टाइम पे मैंने वीडियोस अपलोड करी ठीक ठाक, 1 लाख के करीब व्यूज आए हैं, ठीक है, पर डे। उसके बाद धीरे 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 करके नीचे ड्रॉप हो गया, लगभग अभी 30,000-40,000 ऐसे व्यूज पर डे आते हैं, क्योंकि मैं चैनल पर ज्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ, वो मेरी खुद की गलती है। लेकिन अब धीरे धीरे करके कोशिश करूंगा कि टाइम पर वीडियो आए और आती रहे, ठीक है। अब बात करें वॉच टाइम के बारे में, 9 लाख आवर्स। उसके बाद सब्सक्राइबर्स की बात करें, अराउंड 1,90,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हमने गेन किया। अब अगर हम लोग बात करें मेन चीज की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पैसा कितना कमाया मैंने 2021 में, 15 लाख रुपए से ज्यादा, मतलब 16 लाख करीब दिसंबर का भी मेरी अर्निंग आई नहीं है, ठीक है। तो उसको मिला के अगर बात करें, करीब 16 लाख के करीब 16 लाख प्लस हो जाएगा। तो 16 लाख रुपीस मैंने कहां से कमाए, YouTube मोनेटाइजेशन से 16 लाख रुपीस। फिर मैंने कितनी वीडियोस टोटल अपलोड करी है ये भी तो जानना जरूरी है, ठीक है। कितनी वीडियो पे मुझे 16 लाख रुपए दिए YouTube ने, तो मैंने टोटल 60 वीडियोस डाली अपने 2021 के ओवरऑल चैनल पर। 16 लाख रुपीस डिवाइड बाय अपना 60 वीडियोस, ठीक है, ये हो रहा है पर वीडियो से मैंने कमाए हैं 26,666 रुपीज। इतना मैंने पर वीडियो से कमाया, ये सिर्फ लेकिन YouTube मोनेटाइजेशन की बात है। अगर हम बात करें इसके अलावा और कहां से कमाए हैं, अब एक यूट्यूबर होता है उसकी सिर्फ एक तरीका नहीं होता पैसा कमाने का, वो तीन या कम से कम 3 तरीकों से पैसा कमा सकता है हर एक यूट्यूबर। अब बात करें दूसरे तरीके के बारे में, जो है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप काफी अच्छा तरीका है पैसा कमाने का, और आसान तो नहीं, एक बार अगर आपको मिलना स्टार्ट हो गई तब आसान है। स्पॉन्सरशिप की अगर बात करें, मैं आपको ये तो नहीं बता पाऊंगा कि मैंने किसके साथ स्पॉन्सरशिप करी है, कितने की करी है, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि स्पॉन्सरशिप मैंने टोटल 16 स्पॉन्सरशिप करी है पूरे साल भर में। मैंने ज्यादा स्पॉन्सरशिप नहीं लिए, बहुत मेल आया करेंगे अगर आप भी ऐसे यूट्यूबर बन जाते हो जिसने 100K क्रॉस कर चुके हैं, आपकी ठीक ठाक व्यूज आते हैं, तो मेल बहुत सारे आएंगे, लेकिन आप पर डिपेंड करते हैं आप कितनी स्पॉन्सरशिप उठाते हो। मैंने पूरे साल भर में 16 स्पॉन्सरशिप उठाई है। पर स्पॉन्सरशिप का ऑन एवरेज हम रेट लेके चले, किसका किसी का ज्यादा है, किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, कोई इंटीग्रेटेड होती है, कोई डेडिकेटेड होती है, तो ज्यादा से ना ज्यादा लेते ना कम लेते, बीच का लेके चलते हैं 50,000 पर स्पॉन्सरशिप। 16 स्पॉन्सरशिप मल्टीप्लाई बाय 50,000 रुपीज हो रहा है 8 लाख। तो हमने 16 लाख प्लस 8 लाख हो रहा है 24
4 lakh rupees 2021 में YouTube monetization ऐसे पहुंचे। अब आता है हमारा तीसरा तरीका जो है affiliate marketing। यहाँ पर अगर हम बात करें affiliate marketing में Amazon Associates की, ये Amazon का affiliate program है जहाँ पे मैं link description में डालता हूँ, कोई कुछ buy करते हैं और उसका मुझे commission मिलता है। यहाँ से मैंने 2021 में generate किया 94,487 rupees। लेकिन ये तो हमारा सिर्फ affiliate marketing जो Amazon Associates का मेरा program है उसी की है। इसके अलावा vidIQ का मैंने कर रखा है जहाँ पे मैंने सिर्फ 1 lakh rupees सिर्फ एक महीने में जनरेट करें। उसके अलावा और भी है, ट्यूब बड़ी है और भी है, लेकिन मैं ओवरऑल अगर आपको बताऊं, सब जगह का मैं दिखाऊंगा नहीं, लेकिन ओवरऑल बताऊं तो 6 lakh 6 lakh rupees करीब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग से 2021 में बनाए हैं, कम से कम बता रहा हूं 6 lakhs। तो ये तो अपने टोटल तीन तरीके हो गए जहां से मैंने टोटल मिला के 24 + 6 = 30 lakh rupees कमा चुके हैं 2021 में। सबसे पहला मोनेटाइजेशन YouTube मोनेटाइजेशन, दूसरा जहां से सबसे ज्यादा पैसा है वो है YouTube मोनेटाइजेशन मेरे लिए, दूसरा हमारा स्पॉन्सरशिप, तीसरा हमारा आता है एफिलिएट मार्केटिंग। अब हमारा जो फोर्थ इनकम स्ट्रीम है हमारी जो वो है हमारी सर्विसेज, हमारी खुद की कुछ सर्विसेज चलती है, जैसे मैं गूगल एड सर्विसेज देता था लोगों को, देता हूं अभी भी, जिसमें से मैंने 2 lakh rupees कमाए हैं। उनके लिए क्या होता है, 2 lakh rupees कैसे कमाए, क्यों दिए हैं लोगों ने, उनके लिए गूगल एड कैंपेन क्रिएट करना, मैनेज करना, प्रमोशन करना, ये सब चीजें, 2 lakh rupees मेरी जो खुद की फीस है सर्विसेज की वो 2 lakh rupees वहां से कमाए हैं। इसके अलावा वीडियो एडिटिंग का, थंबनेल का, ये भी सर्विसेज मैंने कुछ लोगों को दिए गिने चुने जिसमें से मैंने 1 lakh rupees कमाए हैं। तो 3 lakh rupees सर्विसेज से टोटल 30 lakh + 3 lakh = 33 lakhs। अब देखा जाए तो वैसे 33 lakh rupees से मैं ज्यादा जनरेट कर सकता था, कमा सकता था, ये मुझे भी पता है, क्योंकि मैंने ज्यादा स्पॉन्सरशिप नहीं उठाया, मैंने ज्यादा टाइम नहीं दिया, इतना भी टाइम नहीं दिया, मतलब 12 घंटे दिन में काम नहीं किया, मैंने सिर्फ 3 या 6 घंटे हर दिन काम किया होगा 365 दिन में, और उनमें से कुछ दिन मैंने गैप लिया होगा। हो सकता है 33 lakh में डबल कर सकता था, और हो सकता है 2022 में कर दूं अगले साल, तब उसकी आपको इनकम रिपोर्ट जरूर दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको एक छोटे से लास्ट में चीज बता दूं कि मैंने पर डे कितना कमाया यूट्यूब से, क्योंकि जितनी भी अर्निंग है टोटल 33 lakh rupees ये तभी आया है क्योंकि मैं YouTube पर आया, YouTube पे नहीं आता तो कुछ नहीं होता, ठीक है, ना सर्विसेज से कमाता, ना affiliate marketing से कमाता, ना मैं स्पॉन्सरशिप से कमाता, ओवरऑल सिर्फ YouTube पर आने से हुआ। तो अगर बात करें YouTube पर आने के बाद मैंने 2021 में कितना कमाया है हर महीने हर दिन, 33 lakhs / तो YouTube पर आने के बाद मैंने हर महीने कमाए 2,75,000 rupees 2,75,000 rupees। अगर बात करें मैंने हर दिन कितने कमाए हैं, 33 lakh / 365, तो हर दिन मैंने कमाए 9,041 rupees ऑन एवरेज। अगर मैं काम करूं या किसी दिन गैप भी ले लूं तो मैंने ऑन एवरेज कमाए 9,041 rupees, 9,000 लेके चलते हैं, अगर घंटे की बात भी कर लें वो भी जान लेते हैं फॉर फन, तो मैंने टोटल हर दिन मैंने ऑन एवरेज 3 घंटा काम किया, एवरेज निकाल के बता रहा हूं आपको, YouTube पर स्पेशली 3 × 365 ये हो रहा है हमारे 1,095 hours, 33 lakhs डिवाइड कर दें तो ये तो एक मजेदार चीज होगी, पर आर मैंने कमाए हैं 3,013 rupees, जो बहुत ज्यादा होता है, अगर मैं 1 घंटा काम करूं तो मैंने 3,000 rupees 2021 में कमाए हैं। तो ये थी भाई मेरी टोटल 2021 की अर्निंग, साल एंड होने वाले, अगर आपको आइडिया लेना था कि एक ऐसा चैनल 3 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ वाला चैनल कितना पैसा कमा सकता है, अगर आपके 2 से 3 लाख सब्सक्राइबर्स होते तो आप कितना कमा सकते थे, तो आप भाई 20 लाख से 30 लाख 40 लाख 50 लाख तक कमा सकते हो और करोड़ तक भी जा सकते हो, इतना मैं मानता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं इससे काफ़ी ज़्यादा कमा सकता था 2021 में, लेकिन मैंने खुद से सिर्फ 3 घंटे YouTube को ऑन एवरेज पर डे दिए होंगे। लेकिन 2022 में हम और भी भयंकर चीज़ करने वाले हैं, और काफ़ी सारे इनकम स्ट्रीम्स मैं डालने वाला हूँ इसमें, मतलब ऐड ऑन करने वाला हूँ जहाँ से पैसा आने लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसके लिए आप लोगों के लिए एक स्पेशल कोर्स, वैल्यू पूरी प्रोवाइड करी जाएगी आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए करूँगा मैं, वैल्यू पूरी मिलेगी और वहीं जो सही अमाउंट चार्ज करना होगा वही चार्ज करूंगा, तो और इनकम स्ट्रीम भी ऐड होंगी और वैल्यू भी प्रोवाइड करी जाएगी। तो गाइस ये थी आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, और आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक 2022 में ज्यादा पैसा कमाने के लिए। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।